डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के अंतर्गत कीवी फल अनुसंधान केंद्र में मैं विशाल राणा आपका स्वागत करता हूँ। कीवी फल पिछले कुछ सालों से हम जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण फल के रूप में हमारे हिमाचल प्रदेश के खासकर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण फल के रूप में उभर कर सामने है और इसका महत्व आज के परिदृश्य में और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम पूरा देश पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी जिसका नाम कोरोना है के संकट से गुजर रही है। तो अगर हम देखते हैं फलों को, तो फलों में सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना लाभदायक ये फल है। तो कीवी फल जो है एक महत्वपूर्ण फल इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, 100 ग्राम फ्रूट होगा तो उसमें 100 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें विशेष तरह की प्रोटीन होती है। और अब तो कई अस्पतालों में हम देखते हैं कि डॉक्टर भी कहते हैं कि खास जो कैंसर की सिचुएशन होती है, जब खून बनना या ब्लड प्लेटलेट्स जब बनने कम हो जाते हैं, तो ये फल हम इसका सुझाव देते हैं क्योंकि ये इस फल में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनको बढ़ाने की क्षमता होती है। तो ऐसा एक शोध कार्य सिस्टमेटिक अन्य देशों में जैसे नॉर्वे में एक शोध कार्य हुआ है। और हम दूसरी बात इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी है कि ये फल एक ऐसा है जिसमें मुख्य रूप से जो कीट और बीमारियों का प्रकोप आमतौर हमारे फलदार पौधों में या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में रहता है वो नहीं होता है। तो कोई सीरियस इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज इसमें नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप इसमें हम दवाइयों का छिड़काव नहीं करते हैं। और तीसरी बात, जैसे हमारे पहाड़ी प्रदेश में हमारे क्या है कि मार्केटिंग के हिसाब से भी ये फल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंडीकरण हम इसका आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये फल जो है वो सख्ती तोड़ा जाता है और तोड़ने के लगभग 8 से 10 दिन बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर पर पक के तैयार होता है। तो जो 8-10 दिन का जो समय हमारे पास होता है, तो हम देश के किसी भी भाग में इसका मंडीकरण कर सकते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें। और दूसरा है, एक पौधा जैसा कि हम देख रहे हैं इस पौधे में कितना फल लगा है, आप देखिए कितना फल लगा है। तो एक पौधा यहाँ पर हमारे पास ऐसे पौधे भी हैं जो 30 साल से लगातार एक क्विंटल एक पौधा या एक बेल जो है वो पौधा फल उत्पादन कर रही है। और औसतन हम कहते हैं कि 60 से 70 किलो जो है एक पौधे से हम फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर में 416 पौधे होते हैं, जो 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, उसमें 416 हम पौधे लगा सकते हैं। और जो उत्पादन है या उत्पादकता है उसमें 25 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर के नाम से, जो कि किसी भी देश, जो भी लीडिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, जैसे चाहे वो इटली है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे चाइना है, उसके कंपैरिजन में हम लोगों ने यहाँ पर वो रिकॉर्ड किया है। और अब अगर हम बात करते हैं तकनीकी जानकारी संबंधित, तो आजकल की जो सामयिक जो कार्य जो इसमें कार्य इसमें करने लायक होते हैं, मई में ये पौधा, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी टेक्निकल क्रॉप है, ये सबसे जानना हमें ज़रूरी है कि इसमें नर और मादा दोनों तरह के पौधे होते हैं। परागण इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि मई के पहले हफ्ते में हम परागण करते हैं, उसके बाद फ्रूट की सेटिंग होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें प्रचुर मात्रा में फल लगते हैं, तो इतने ज़्यादा फल लगते हैं कि गुच्छों में लगते हैं। और पहले हम कहते थे कि फल आने दो, लेकिन जब मंडीकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें, हमारे बागवान भाई, हमें उत्पादन में ज़्यादा लाभ तभी मिलेगा जब इसकी गुणवत्ता होगी, और गुणवत्ता तभी इसकी मानी जाती है जब इसका साइज़ अच्छा होगा, साइज़ यानी कि वेट। और तो जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 100 ग्राम से ऊपर कीवी फ्रूट मांगती है। तो हम लोग इसके लिए वो सारे काम तकनीकी रूप से करते हैं, जैसे कि परागण एक भूमिका निभाता है, दूसरा जब ये बहुत ज़्यादा गुच्छे लगते हैं, कई बार एक टहनी से 3-3 फल आ जाते हैं, तो साइड वाले फल जो है हटाने पड़ते हैं, यानी कि इसका बिरलन भी करना पड़ता है। तो हम ये मई के महीने में हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य परागण का है, और उसके बाद इसका बिरलन का है, क्योंकि फ्रूट एक निम्न, जैसे 6 से 8 फ्रूट होंगे एक टहनी में, तो उससे क्या होगा, इसका साइज़ बढ़िया रहेगा और ए ग्रेड फ्रूट होगा। ये फ्रूट इसके अगर इस साइज़ का फ्रूट होगा तो मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर छोटे फ्रूट होंगे तो मंडीकरण में समस्या आ सकती है। इसके बाद इसमें आजकल बाकी तो ये फ्रूट बढ़ रहा होता है, वैसे तो सिंचाई की सुविधा हमें चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर वाले की मेहरबानी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि वर्षा काफ़ी हो रही है। तो इस बार हमारा अनुमान है कि जो हम लगातार संपर्क में रहते हैं बागवान भाइयों, चाहे वो उत्तराखंड या अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं या हिमाचल के प्रगतिशील की भी
किसान हैं कीवी की बागवानी जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जो हमारी बम्पर क्रॉप है कीवी की अन्य फलों की अपेक्षा, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग लेट थी तो उसके बाद बारिश अच्छी हुई और इसमें ज़्यादा टेम्परेचर भी हानिकारक है तो टेम्परेचर भी एक मॉडरेट सा रहा, तो इस वजह से इस बार उत्पादन काफ़ी अधिक होने का अनुमान है। और दूसरा प्लस पॉइंट हमारे पास इस साल ये है कि पिछले 2-3 महीने से हम लगभग लॉकडाउन में बंद हैं और इसलिए जो मूवमेंट है, जब फ्रूट हमारा जो ज़्यादातर फ्रूट हुआ इम्पोर्ट होता है हमारा इटली, चिली और न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड का तो खैर अभी सीजन खत्म हुआ, जो आगे आने वाली मार्केट थी वो थी हमारी इटली से, तो इटली और चिली से, तो वो इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो सकता है इस बार आयात कम हो, तो ये एक अच्छी खबर है कि हमारे बागवान भाइयों को इस बार बहुत अच्छे दाम मंडीकरण में मिल सकते हैं। और इसकी एक मैं एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि सिर्फ इस समय क्योंकि फ्रूट बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा अगर गुच्छे हैं तो खैर अभी लेट हुए हैं, वो तो बिरलन जो है वो जल्दी हो जाना चाहिए जब मटर के दाने का होता है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि बहुत सारे फ्रूट के गुच्छे आ गए हैं, जो बिल्कुल छोटा फ्रूट है उसको हटा दीजिए, जो एक टहनी से 3-3 फ्रूट निकले हैं उसको भी बिरलन कर लीजिए, क्योंकि अगर नियमित दूरी पर फ्रूट होगा तो उसका साइज अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट हमारा अच्छा साइज और अच्छे दाम लेने का है, तो ये जरूरी बात है। सिंचाई की होगी, परागण की होगी, बिरलन की, और एक और कार्य हम जो कर सकते हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में फलदार पौधे फल होते हैं इन पौधों में काट छांट करनी पड़ती है, तो काट छांट दो तरह की होती है, एक होती है डोरमेंट प्रूनिंग, डोरमेंट मतलब सर्दियों की जो सर्द ऋतु में जो काट छांट होती है, और दूसरी होती है समर प्रूनिंग, समर मतलब गर्मियों में होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि गर्मियों में हम प्रूनिंग ज़्यादा करते नहीं है, ज़्यादातर पौधों में करते नहीं है, लेकिन ये क्योंकि एक बेल है, बेल बहुत तेज़ गति से बढ़ती है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा, हम ये कहते हैं कि जैसे मैं आपको एक टहनी बताता हूँ, जैसे इसमें तो आगे है नहीं, लेकिन ये टहनी ऐसी है इसमें फल लगे हैं और ये देखिए दो हैं, तो इसका हमने इसको हटा देना है ताकि इस फल की वृद्धि अच्छी हो, और ये छोटा फल है, आकार में छोटा होगा, इसका दाम भी उचित नहीं मिलेगा, और ये टहनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फ्रूट यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसके लिए क्योंकि ये सारा खाना इसमें पत्तों से इसमें आना है, तो एक स्ट्रेटजी हमारी ये भी होती है कि इसको आगे से हम यहाँ से काट देते हैं, इसको हम समर प्रूनिंग कहते हैं कि काफ़ी आगे जाके थोड़ा सा काटते हैं, ये टहनी बहुत लंबी थी मैंने ज़्यादा काट दी, अदरवाइज थोड़ा सा हो तो इसमें सिर्फ छोटा सा पिंचिंग करते हैं, इसका मकसद ये रहता है वैज्ञानिक तौर पर कि जो इससे खाना बन रहा है वो इसकी वनस्पतिक वृद्धि है उसको हम रोक दें और वो जो एनर्जी है इसकी वो सारी फ्रूट की तरफ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा प्रयास यही है कि फ्रूट का साइज अच्छा होगा, वेट अच्छा होगा, जब हम इसमें बैलेंस बना देंगे, इस ग्रोथ को रोक देंगे तो सारी एनर्जी इसमें लगेगी फ्रूट में और इसका साइज अच्छा होगा, तो ये हम इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं अभी, और ऐसे ऐसे फ्रूट बढ़ता रहेगा। और अंत में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ इसके तुड़ान से संबंधी, तो जो तुड़ान का संबंधी है, एक हम लगभग 2 दशक से इस फल को तैयार कर रहे हैं, अब हम हमारा बागवान भाई, शुरू में हमें तकनीकी जानकारी नहीं थी भी इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, नर भी लगाना है, मादा भी लगाना है, तकनीकी जानकारी कम थी कारशांत की, लेकिन अब जागरूक हो चुका है। जब हम फल तैयार करते हैं तो सबसे लास्ट में जाके जो सारी गड़बड़ करते हैं हम देखते हैं, अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, खासकर फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है इंडिया में, उसका 25-40% जो है वो वेस्ट जाता है। वेस्ट किस लिए जाता है, क्योंकि उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट में तुड़ान के बाद या तुड़ान करते समय जो हम अपनी लापरवाहियाँ करते हैं उससे 25-40% जो कि करोड़ों के हिसाब से नुकसान हमारा होता है। तो अगर हम ये थोड़ी सी हम जागरूक रहें, उस नुकसान को रोक दें, 5-10% भी रोक दें, तो इसका मतलब 5-10% प्रोडक्शन में हम ऐड कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होती है और उसमें बहुत सारे कारण हैं, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं अभी बगीचे की बात करूं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि फल परिपक्वता का जांचना, कि ये फल तैयार कब होगा तोड़ने के लिए, क्योंकि आपने सारी मेहनत लगा दी है इसको बगीचे को लगाने में, सारी मेहनत लगा ली है, सारा बिरलन भी कर लिया, परागण भी कर लिया, पानी भी दे लिया, जब ये फल तैयार होगा अब वो
इसमें ये परिपक्वता जांचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर फल हम देखते हैं, जैसे चाहे वो आम है, सेब है, तो उनमें ये जो वो जैसे फल पक के तैयार होता है तो उसमें रंग का बदलाव होता है, परसेप्टिबल चेंज इन कलर होती है। तो इसमें ये क्योंकि डल ब्राउन कलर होता है, ये ऐसे देखने में लगता है जैसे आलू है, लेकिन काटोगे तो बहुत सुंदर है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फल इतना स्वादिष्ट है, अगर सही समय पर तोड़ा जाए और सही समय पर खाया जाए तो ये बहुत स्वादिष्ट फल है। तो इसमें परिपक्वता जांच करने के लिए कलर जो है इसमें एक इंडिकेटर नहीं है। तो क्या कलर होगा, क्या इंडिकेशन हो, अब हम बाहर के देशों में देखते हैं तो उसमें क्या है कि इसमें एक यंत्र आता है जिसको रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं, उसकी एक बूंद डालते हैं, अगर वो 6.5 डिग्री ब्रिक्स या 6.5% टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स बताता है, तो वो तोड़ने के लिए एक उपयुक्त समय रहता है इसके लिए। और क्योंकि अब हमारे पास वो रिफ्रैक्टोमीटर होता नहीं है किसान बाबू, तो एक मोटा मोटा जो तरीका है, जो इसमें ये बाल हैं, ये एडिसन के समय इसमें जो बाल हैं, जब आप उंगली रगड़ेंगे तो ये जब ये पकता है, आजकल नहीं निकलेंगे क्योंकि ये पक के तैयार नहीं है, तो इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो पकने से है। जब आप ऐसे रगड़ोगे इसको जोर से, अभी तो निकल नहीं रहा है, लेकिन जब ये परिपक्व होगा तो ये आसानी से ये बाल निकल जाएंगे। ये एक तो इसलिए हम जब तोड़ते हैं तो हम इन बालों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जब मार्केटिंग करते हैं या पैकेजिंग करते हैं तब इस बालों को हम चाहते हैं ताकि ये ज़्यादा दिन तक उसको मेंटेन करें, क्योंकि एक तो एक गैस होती है इथाइलिन, वो उसका बढ़ने की प्रक्रिया जो है सीधा सीधा इन बालों से संबंध रखती है। तो एक तो परिपक्वता जांच मोटा मोटा तरीका जो है ये है, और दूसरा हम परिपक्वता जांच करने का एक कैलकुलेशन भी है, जिससे पहले हम कैलेंडर डेट बोलते हैं, कैलेंडर डेट जैसे हम बोलते हैं जी गेहूँ की कब काटना है, गेहूँ को काटते थे हम बैसाखी में, 13 अप्रैल एक फिक्स डेट थी, वो थी कैलेंडर डेट। लेकिन फलों में आप क्या करते हैं, क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन हो रहा, तो कैलेंडर डेट जो है ना एक रिलायबल एस्टिमेट नहीं है। तो इसके लिए अब क्या है, डेज फ्रॉम फुल ब्लूम टू हार्वेस्ट, यानी कि इस पौधे में जब फूल आए थे 60% से ऊपर जब फूल आ गए थे, उस डेट को नोट करने से लेके तोड़ने तक कितने दिन लगते हैं इसको तैयार होने, तो सारा शोध करके हमने वो दिन फिक्स कर लिए हैं। जैसे ये किस्म एलिसन है तो हम कहते हैं कि 190 प्लस माइनस एक हफ्ता ये जो टाइम है फूल बनने से फल तोड़ने तक की जो है, डेज फ्रॉम फुल ब्लूम टू हार्वेस्ट, इतने दिन लगना चाहिए। और मोटे तौर पे हम देखते, और ये चीज़ जो है हमारी एलिवेशन पे भी डिपेंड करती है। तो ये हमारा यहाँ जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र जैसे सोलन का है, हमें 1200 मीटर के करीब है, 1200 से 1500 मीटर तक है, 1200 से नीचे नीचे, तो ये हमारा फल जो है तो पक के तैयार होता है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में या 15 अक्टूबर के आसपास। अच्छा, पक के तैयार होता है मतलब इसको सख्त होता है तब तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट भी नहीं होता चीकू की तरह, थोड़ा भी सख्त जाता है। तो लेकिन यही चीज़ अगर हम शिमला चले जाएँ 1500 मीटर या 1500 मीटर और 2000 मीटर के बीच में जाए तो लगभग एक हफ्ते का फर्क होता है, यानी कि वहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो एक सप्ताह जो है वो वहाँ लेट फ्रूट पक कर तैयार होता है। अच्छा, ये चीज़ जानना। अब ये मोटे तौर पर अब क्या है हमारी कि कई बार अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं कि हम तोड़ना शुरू कर देते हैं सितंबर में, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये मैं कई सालों से, पिछले 2-3 वर्षों से बहुत इस बात पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जो सितंबर का फ्रूट तोड़ता है, ठीक है रेट मिल जाता है क्योंकि लीन पीरियड होता है, आम ख़त्म हो रहा होता है, सेब आने वाला होता है, तो उस टाइम क्या होता है, या सेब भी एग्जॉस्ट होने वाला होता है उस टाइम, तो उस टाइम क्या होता है कि जो फ्रूट तोड़ा होगा, उस टाइम का तोड़ा हुआ फ्रूट होगा, वो टेस्ट नहीं पकने के बाद ठीक देगा। जो इमेच्योर फ्रूट तोड़ेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, शुगर एसिड ब्लेंड नहीं आएगा, मिठास नहीं आएगी, तो क्या होता है कि वो उससे वो बाद में आप बेच लेंगे, खरीद लेगा कस्टमर भी खरीद लेगा, लेकिन बाद में आप किसी लेबल्ड बगीचे से उसको डब्बे में डाल के दोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन हमारा मेरा जो पिछले 15-20 वर्षों का अनुभव है यहाँ पे, हम जब सही टाइम पे फ्रूट तोड़ते हैं, जब से अक्टूबर में फ्रूट तोड़ते हैं, तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शायद हमारे बोलते हैं कि जी हमारे बगीचे में बहुत टेस्टी फ्रूट। तो मेन रीज़न वही होता है कि वो सही समय पे हम तोड़ते हैं। तो अक्टूबर दूसरे हफ्ते से मिड अक्टूबर तक हमें मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ना फ्रूट तोड़ना चाहिए, और अगर वो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, शिमला की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, तो हम एक हफ्ता डिले कर सकते हैं, और जो सितंबर में तोड़ेंगे उसमें टेस्ट नहीं होगा। और वैसे ये फ्रूट तोड़ने के बाद पकता है, इसको क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट बोलते हैं, तो
थोड़ा ये सख्त जाता है, लेकिन बात वही है कि वो सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ पर जिसको हमने तोड़ना है। तो जब वो, और हम दूसरी बात हमने ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने देखा शिमला में टूरिस्ट आते हैं जिन्होंने, अब कोई नीचे साउथ से आ रहा है उनको कीवी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जब वो फ्रूट कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे लिफ्ट के पास बैठे हैं जी, प्लेट में काट के कच्चे फ्रूट को काट के नमक के साथ खिला रहे हैं, तो नमक के साथ जो खा रहे हैं तो जब खाएगा कोई कस्टमर तो वो बोलेगा ये तो खाने लायक ही नहीं है, फ्रूट अच्छा नहीं है। लेकिन वो कस्टमर की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम गलत स्टेज पे तोड़ रहे हैं और गलत तरीके से उसको खा रहे हैं। तोड़ा जाएगा सख्त जब 6.5% TSS होगी, और ये खाया जाएगा जब सॉफ्ट होगा, यानी कि 8 से 10 दिन उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज है या अच्छा स्टोरेज है तो इसको 2-3 महीने भी कर सकते हैं, तो ये इसकी स्टोरेज लाइफ भी ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब आप फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज से रख के हटाते हैं तो एकदम ये फ्रूट पक जाता है, ये पकता भी एकदम है। जब ये बहुत ज़्यादा पक जाता है तब भी ये टेस्टी नहीं होता है। तो ये बातें इसमें ध्यान देने योग्य हैं जो कि हम लोगों को विचार करना चाहिए, और इस फल का भविष्य बहुत उज्ज्वल है क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, बहुत सारा फ्रूट बाहर से इम्पोर्ट होता है, और ये हमारा जो उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है। जो हमारे बागवानों की वर्तमान समस्याएं हैं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर आड़ू, प्लम, खुमानी, ये पौधे, ये जो फ्रूट हैं इनमें बीमारियों का प्रकोप भी है, ये पेरिशेबल क्रॉप्स भी हैं, ये ज़्यादा टिकती नहीं है मार्केट में, स्पेसिफिकेटेड मार्केटिंग चाहिए, और इनमें कीड़े बीमारियों का तो हम मतलब काफ़ी, जैसे राजगढ़ हमारा एरिया था सिरमौर का, वो पीच बाउल के नाम से, तो वहाँ भी बगीचे काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये बहुत एक अच्छा विकल्प जो हमारे सामने है। बंदरों का प्रकोप है, बंदर भी इसको नहीं खाते क्योंकि ये कच्चा तोड़ा जाता है तो ये उस टाइम खट्टा होता है, बंदर भी नहीं खाएंगे, कीड़े बीमारी भी नहीं है, हर साल फ्रूट लगेगा, थोक में लगेगा। और अब तो हमने ये प्रचलन भी देखा कि नॉर्थ इंडिया में कि जब दिवाली का टाइम जब होता है तो लोग डब्बों में बढ़िया बढ़िया उसको मिठाई की जगह पैकिंग करके अब कीवी फल को देते हैं, और वो एक बहुत अच्छी गिफ्ट मानी जाती है। और इस फल का इसलिए मैं कहता हूँ कि भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और हम लोगों को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए। और हमारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय देश का एक पहला विश्वविद्यालय वानिकी उद्यानिकी के क्षेत्र में, जिसमें पूरा शोध कार्य हुआ है, पहला बगीचा हमारे देश का यहाँ लगा है, और यहीं से सारी तकनीक की जानकारी अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में गई है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, नागालैंड हो। अब क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रयास नहीं किया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये फ्रूट जो है, ये चाइनीज़ गुजबेरी, ये इसका जो साउथ पार्ट ऑफ चाइना वहाँ का ये वंशज है, तो वो उत्तर अरुणाचल प्रदेश की जलवायु उसके लिए ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा खेती करने, वहाँ पर बड़े बड़े बगीचे लगे हैं। तो अब तो आज की वर्तमान स्थिति है, हम लोगों ने सबको खेती करना सिखाई, लेकिन 60% जो खेती है वर्तमान समय में वो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। हिमाचल में काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, हिमाचल में सरकार, हिमाचल सरकार ने बागवानी विभाग के माध्यम से अभी इसमें सब्सिडी बागवान भाइयों के लिए दी है, तो उसमें मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसमें सब्सिडी भी दी है, तो काफ़ी उसके अंतर्गत भी काफ़ी अच्छे बागवान लगे हैं। और सोलन के आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रगतिशील किसान हैं, और एक दो किसान तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो कोरियर के थ्रू दे रहे हैं, उनके ऐसे ऐसे बगीचे हैं कि हम मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि भी 5-7 सालों बाद इसके बगीचे बहुत अच्छी तरह आने वाले हैं, प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, लेकिन इन तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाले फल हमें तैयार करने होंगे, और मंडी का भी अच्छा होगा, काफ़ी लाभ हमारे बागवानों को इससे मिल सकता है।